बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। ताबाज यूनाइटेड वर्ल्ड में खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताबाज यूनाइटेड वर्ल्ड। आपको बहुत ज़बरदस्ती बट की रेसिपी बताने आनी, बट की तो आपने हर तरह की रेसिपी ट्राई की होगी, मगर अचारी रेसिपीज़ नहीं ट्राई की होगी। बहुत ज़बरदस्त ये बट की अचारी रेसिपी बन के रेडी होती है। मैंने गर्म पानी के अंदर लहसुन अदरक और नमक डाल दिया था। इससे ये होता है कि बट की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती। बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आप बट खा रहे हैं, इसमें से कोई स्मेल आ रही है अलग सी। तो नमक का पानी था, गर्म पानी था, सही है। गर्म पानी के अंदर मैंने जो है नीम गर्म पानी में लहसुन अदरक भी डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था। उससे अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ, अच्छी तरह से वॉश करने के साथ से पानी से वॉश कर लूँगी। तो इस तरीके से तमाम जो है बड़े बड़े पीसेस ले लिए थे मैंने, ताकि धोने में आसानी रहे। तो ये तमाम बड़े बड़े पीसेस को आसानी से धो लिया जाएगा। तमाम बट को धोने के बाद साफ़ सुथरा पानी धो के छन्नी में डाल दी जाती है, ताकि इसका अपने एक्स्ट्रा पानी निकल आए, साफ़ सुथरा हो जाए, बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाए और सफाई अच्छी तरीके से इसकी हो जाए। कि मैंने अचार को मसाला छान कर ले लिया था। अचार को अचार ही बट बना रही हूँ, तो उसमें नींबू का रस डाल दिया था, जितना हमें दरकार है मिर्च में भरने के लिए उतना हमने मसाले का पेस्ट बना लिया है नींबू का रस डालकर। तो बहुत ज़बरदस्त पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। उसको मिर्चों में हम कट लगाने के बाद मिर्चों के अंदर जो है वन बाय वन मिर्चों में भरते जाएंगे, फिलिंग करते जाएंगे इसकी, सही है। और उसमें प्याज काट के डाल देंगे, मोटी मोटी रफली रफली सी प्याज कट जाएगी। तो चार बड़ी साइज की प्याज थी, सही है, लार्ज साइज़ की प्याज है चार, ये मैंने बड़े मोटी मोटी तरह रफली कट कर लिए हैं, क्योंकि बट में रफली कट करके प्याज डलेगी, क्योंकि वो भी के साथ मैश होगी, गलने के बाद घुल जाएगी, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, मसाला बन जाएगा, बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाएगी इस प्याज की। तो रफली काट ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब एक कुकर में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैंने दालचीनी का टुकड़ा, एक दो बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा और तेज़पत्ता, ये तमाम चीज़ें, तमाम गर्म मसाले जो होते हैं तमाम के तमाम इसमें शामिल कर दिए हैं। अपनी क्वांटिटी अपनी हसबे ज़रूरत जायके के हिसाब से शामिल करने के बाद इसको क्रैकल कर लेंगे। क्रैकल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को जस्ट सौते करना है। सौते का मतलब तो आपको पता ही है, सौते जब तक यानी कि नरम मुलायम ना हो जाए प्याज, यानी कि इसको कोई कलर नहीं देना, गोल्डन लाइट ब्राउन कोई भी कलर नहीं देना। बस जैसे ये कुक होगी कलर चेंज होगा प्याज का, सॉफ्ट हो जाएगी तो ये सौते हो जाएगी, सही है। सौते हो चुकी थी प्याज, तो सौते होने के बाद नमक डाला है इसमें और कुछ मसाले साथ साथ शामिल करूँगी, आपको दिखाती जाऊँगी। हल्दी है 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा जो हमारे पास सबसे बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब मसाला अचारी गोश मसाला इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था साथ में ही, और हमारे पास अचार गोश मसाला है वो शामिल करेंगे, क्योंकि हम अचारी बट बनाने लगे हैं। तो अचारी बट के लिए अचार गोश मसाला, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है मैंने साथ में ही। तो ये जो बकाया लेफ्ट ओवर अचार गोश मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और अच्छी तरह की भुनाई कर लेनी है, लेमन जूस डालना है। तो अचारी गोश के में लेमन जूस ना हो कैसे सकता है, अचारी मसाला बन रहा है तो लेमन ज़रूर शामिल किया जाएगा। लेकिन तमाम मसाले को अच्छी तरह भुनाई कर लेने के बाद इसमें हम बट शामिल कर देंगे, और बटों के साथ भी थोड़ा थोड़ा करके भुनाई करते जाएंगे, फिर पूरा पूरा बट शामिल करेंगे। बट बहुत ज़्यादा मिकदार में 2 किलो के करीब बट है, तो 2 किलो बट है, तो इसी लिहाज से हमने जो है इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि एक साथ एकदम सारा बट डाल देंगे तो भुनाई करना मुश्किल हो जाती है। मसाले और शामिल कर दिए थे, धनिया पाउडर था हमारे पास और भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया भुना कुटा, वो भी इसमें शामिल कर दिया था। सीधा है कबो टेस्ट बदल सा टेस्ट आ जाता है। टमाटर डाल दूंगी मैं ऐसे ही हाफ कट करके, क्योंकि हमें इसकी छिलके उतारने हैं, तो इसलिए इस पॉइंट पर टमाटर ऐसे ही डाल देने हैं। कुकर में बट के गलने का टाइम
जो प्रॉपर टाइम होता है वो एक घंटा बस, एक घंटे में ये तकरीबन गल जाता है कुकर के अंदर, कभी कभी 45 मिनट में भी गल जाता है। तो बस ये कुकर में इस तरह हमें गलाना है इसको, और बस 45 मिनट के बाद आपसे मिली हूँ। तो ये देखें 45 मिनट में ही हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो गए थे, इसके छिलके में उतार लूँगी, और बट भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका था। जो उसका जो बकाया पानी है उस पानी को हमें खुश कर लेना है। तो खुश करने के लिए, भूनने के लिए, भुनाई के लिए इन मसालों की हम इसको जो है चौड़ी मुँह की पतीली में शिफ्ट कर देंगे कुकर से। तो कुकर से हम निकाल लेंगे बटों को, और चौड़ी मुँह की पतीली में शिफ्ट कर लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से पानी खुश करना है। खुश होने के बाद इसकी भुनाई का जो है वो प्रोसेस शुरू होगा। पतीली में शिफ्ट कर लेने के बाद मैं गरम मसाला पाउडर डाला है पैन पर, और दही डाल दी थी। और अच्छी तरीके से मैं पानी भी साथ साथ खुश होने वाला है, हो रहा है, थोड़ी सी एकदम मिर्ची हरी मिर्ची डाल दी थी ताकि इसका थोड़ा टेस्ट आ जाए। और जब पानी बिल्कुल खुश्क होने लग गया था तब मैंने हरी मिर्ची आखिर में डाली थी ताकि हरी मिर्ची ज़्यादा गल ना जाए। मसाला भरी हुई हरी मिर्चें हैं ये, अचारी मिर्चें, तो इसमें शामिल कर दी थी। और अब हमें जितना शोरबा दरकार था उसे लिहाज से पानी शामिल भी कर दिया था। भुनाई हमारे बटों की हो चुकी थी, मसाला हमारा पेस्ट बन चुका था। हमें इतनी थिकनेस, इतनी गाढ़ी ग्रेवी दरकार है, बस इतना ही हमें चाहिए। और ये बन के रेडी है, और बस इसको दम पे रख देंगे। फिर आपसे मिलती हूँ दम के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बट अचारी बट बन के रेडी हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ मज़ेदार सा शोरबा है, मज़ेदार सा सालन है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब पराठे, नान, चपाती सब के साथ, दाल चावलों के साथ, तो क्या ही बात है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ है, इस तरीके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करवाइए, जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक हर उस जगह से आपको खुशी और नेमत अता करे जहाँ से आपको गुमान भी ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।